आपने करोड़ रुपए खर्च किए बंगले पर, आप क्या क्या कहना है? देखिए, जब वो नेता विरोधी दल थे वो तो नीतीश कुमार जी का कमरा गिनाने का काम करते थे, आप लोगों को याद है कि नहीं है, कितने एसी के कहाँ लगे, क्या क्या लगे। अगर इन लोगों में दम है तो आरटीआई लगाएं मुख्यमंत्री के घर का, मुख्यमंत्री आवास का। हम तो बस इतना एक सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी जब सीएम आवास में रहते थे तो उसका क्षेत्रफल क्या था, और जब नीतीश कुमार जी जब शिफ्ट किए तो उसका क्षेत्रफल पूरे एरिया का कितने बंगले मिला करके एक सीएम आवास हो चुका है, और उस सीएम आवास में अनेकों कितने भवन अंदर बने, टूटे और बनाए गए, और अभी भी पूरा फिर टूट करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे नाम आवंटित जो था, आप लोग सब लोग जानते हैं, किसी और के नाम पे बकायदा कर दिया, लेकिन हकीकत में कौन रह रहा है ये जानिए, वही रह रहे हैं। वो भी टूट करके बना है कि नहीं बना है, उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, और सुशील मोदी जी क्या बोलेंगे? उनके भाई तो बड़े बिल्डर हैं, सारा सृजन का पैसा सुशील मोदी जी का वहीं लगा हुआ है, कोई शहर बचा कहाँ? लग्जरी फ्लैट्स, आप लोग तो सब लोग परिचित होंगे इससे, लेकिन अपने करतूतों के बारे में सुशील मोदी जी तो बोलते नहीं। ऐसा लगता है कि सुशील मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने वित्त मंत्री ना बना करके हम ही लोग के लिए मंत्री बना रखा है कि हम ही लोग को दिन भर गाली देते रहे, ये कोई मजाक मतलब बना दिया गया, ये कोई बात नहीं हुआ, काम पे ध्यान नहीं देते। हम पूछना चाहते ना सुशील मोदी जी, मूछ वाले अंकल कौन है, तोंद वाले अंकल कौन है, क्यों चुप्पी साधे हो? हमने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको दबाने के लिए, आप लोग जो न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए आप यात्रा करवा रहे हैं, वो यात्रा तो पहले ही हमारे कई मीडिया कर्मी जो है साथ में कर चुके हैं, पूरा ऑफिस घूमा है, पूरा एरिया घूमा है, अंदर घूमे हैं, वो तो दिन रात हम लोग बैठे रहते हैं, तो इसमें नया क्या किए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, आपके मुख्यमंत्री का नाम आया, आप दिन प्रतिदिन हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बिना कोई सबूत के, आज मुख्यमंत्री का नाम ना आ गया है, जांच के लिए इंक्वायरी कर दिया गया है, तब आप लोग जो चुप्पी मांग रहे हैं, चुप्पी साधे हुए, ये इतनी बच्चियों के साथ घिनौना काम किया, उसको मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं, अब इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? हम लोग के प्रति क्या सबूत था, कौन गवाह था? लेकिन यहाँ तो जो खुद जेल में है, जो खुद बच्चियों को गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का काम करता था, उसने नाम लेने का काम किया, एफिडेविट बकायदा पॉक्सो कोर्ट में दिया है, और क्या बच गया है? तो इसलिए जो सरकार की चीज़ें हैं वहीं रह गई हैं, एक चीज़ नहीं, साफ सफाई से लेकर के ए टू जेड वैसे की वैसे ही हैं। तो सरकार जो है सरकार की चीज़ें हैं, उसमें हमारा जो चीज़ें था वो हमारी कोई वैसी कोई विशेष चीज़ें थी नहीं, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं थे। मोदी ने ये भी बोला कि नियम ऐसा रहना चाहिए, अब तक बचा हुआ रहता, कोई नियम कायदा हम लोग किए हैं तो दिखाए ना भाई क्या नियम कायदा है। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के आवास में अब तक कितने पैसे खर्च हुए हैं ये तो बताएं।